और ये देखो यार क्या मस्त वाला गेट बनाया हुआ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। कल हम लोगों का एक्चुअली पूरा रेस्ट डे था, तो कल कुछ व्लॉगिंग नहीं, कुछ नहीं, बाइक का सर्विसिंग, मेन मेंटेनेंस जो था वो करवाया। बट प्लान कर रहे थे आसपास थोड़ा एरिया में घूमने जाएंगे। प्लान कुछ इस तरीके से है कि आज हम लोग जाएंगे थोड़ा आसपास लोकल जो एरिया है, शांति स्तूपा हो गया, मैग्नेटिक हिल्स हो गया, ये सारा एक्सप्लोर करेंगे। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे टुवर्ड्स हंडर, विच इज़ समवेयर अराउंड 150 किलोमीटर्स और 120 किलोमीटर्स कुछ ऐसी है डिस्टेंस। विल बी क्रॉसिंग खारदुंगला टुडे। और दो तीन चीज़ें कल हम लोगों ने मार्केट से खरीदी वो आपको दिखा देता हूँ, एक्चुअली व्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, उस साइड में शांति स्तूपा बना हुआ है। और यहाँ वाला अगर आप लोगों को दिखाता हूँ तो अभी माउंटेन्स देखो लेके आसपास में कितने अच्छे दिखते हैं। ये देखो आज क्लाउडी वेदर हो रखा है पूरा। ये देखो मतलब लेह की वाइब्स जो है ना अलग है। तो कुछ इस तरीके से है प्लान। और कल हम लोग लोकल मार्केट घूम रहे थे, थोड़ा बहुत सामान वामान खरीदा और उसी के साथ में दो तीन चीज़ें लिए थोड़ा सा लोकल वाइब्स लेने के लिए। वो चीज़ आप लोग दिखा देता हूँ। एक है ये कीचेन, इसमें लिखा हुआ झूले। ये वाला जो है ये बाइक के स्टिकर है, मतलब मैं वाइजर पे लगाने वाला हूँ तो यहाँ तक का आ जाएगा, दो बार लिखा हुआ वैसे तो अभी लगाएंगे जाके। और बाकी सामान वामान पैक हो गया, सामान अभी लेके नहीं जा रहे हैं, सामान थोड़ी देर बाद में लेके जाएंगे। तो चलो सामान वामान अपना पैक हो चुका है, अभी सामान ऊपर से नीचे लेके आना है। और ये हम लोगों ने लिया था यहाँ पे मंत्रा है, गुड लक मंत्रा, इसको खोल के दिखाता हूँ, रुक जाओ। ओम मनी पद्मे हम, हाँ दीज आर ऑल फाइव अर्थली एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ओम मनी पद्मे हम, ओम मनी पद्मे हम, तो ये दो बार लिखा हुआ है। आ रहा था मस्त लगेगा, एक बार लगा देता हूँ इसको। लास्ट टाइम मैंने रॉयल इनफील्ड हिमालयन पे लगाया था एंड वो भी मेरे पास रखा हुआ है। दीज आर मेमोरीज, मैं थोड़ा बहुत रहता है मेरा कि कहीं भी लोकल एरिया में जाता हूँ ना तो कुछ ना कुछ खरीद लेता हूँ जैसे कि एक याद रहे वहाँ का। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे और मजा आ जाएगा, पूरे मेरा बहुत सुंदर दिखता है भाई, आ रहा था देखने में लोगों को। चलो आज दिन की शुरुआत अच्छे से करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम लोग पत्थर साहिब भी, जो कि एक छोटा सा टेम्पल है, मतलब आपको स्टोरी बताऊंगा ऑन द गो। सो हम लोग रुके हुए थे होटल जान पैलेस, जो कि मेन ले मार्केट के पास में ही है। तो यहाँ पे जो प्राइस लगा हम लोगों को पर रूम का, दैट वाज 1200 रुपीज़ और 1200 रुपीज़। और अभी यहाँ से प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक हिल्स, फ्यूलिंग व्यूलिंग कराएंगे। वैसे तो मेरे को 287 का रेंज दिखा रहा है एंड जो आज डिस्टेंस ट्रैवल करना है दैट इज़ नॉट मच। तो अब यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद में देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं आप लोगों को, ले थोड़ा सा एक्सप्लोर कराते हैं। तो लेट्स गो, चले। हाउज द जोश? वेरी वेरी हाई, सबकी पैकिंग करके एक्चुअली लग चुकी है। तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग में यही प्रॉब्लम रहता है, होटल रूम पहुँचते हैं व्लॉगिंग सेटअप निकलता है, सारी चीज़ें सामान वामान सब बिखर जाता है। तो दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ फिर ट्रैवलिंग ऑन बाइक। तो यहाँ पे है लेह का मेन मार्केट, तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट। और यहाँ से हम लोगों ने ये सारे जो फ्लैग व्लैग था जो हम लोग सारा लिए एंड अभी कुछ सीन इस तरीके से है कि हम लोग पेट्रोल पंप जाएंगे। पेट्रोल पंप पे मेरे तो लग नहीं रहा, मेरे को 281 है दिखा रहा है, तो कुछ पढ़वाने की ज़रूरत पड़ेगा। ये है लेह का मेन मार्केट, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये रात में आए थे हम लोग, जैसे कि स्टोरीज में देखा होगा आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं फॉलो करते हो तो फॉलो कर लो, विकेट राइडर ऑफिशियल इसमें इंस्टाग्राम आईडी। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पोस्ट हम लोग डालते रहते हैं, सो डू चेक आउट। ये है एंट्रेंस गेट लेह का, लुक एट दिस मैन। तो यहाँ से खारदुंगला, खारदुंगला से तो उधर दिखा रहा है। और ये देखो यार क्या मस्त वाला गेट बनाया हुआ है, अलग सा लग रहा है बट अमेजिंग। और यहाँ पे पहाड़ी देख लो, पहाड़ी यहाँ पे ऐसी मिलेगी सूखी सूखी। लुक दिस व्यू मैन, मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है यहाँ पे। बाकी जगह मनाली की अलग फील है, यहाँ की अलग फील है।
और देखो हर जगह आप लोगों को राउंडल ऐसे ऐसे मिलेंगे। ओके गॉट इट। हाँ, देख लिया। अभी मैं एयर प्रेशर फिल करा लेता हूँ। तो जो पेट्रोल पंप के जस्ट आगे में जो ये स्तूपा है, दिस इज काल चक्र स्तूपा। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल्स, और जो कि थोड़ा सा ही पास में है, 30-35 किलोमीटर है लेह से। और यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट विजायक इज वेलकम्स यू टू लद्दाख रीजन। दिस इज हॉल ऑफ फेम, और यहाँ पे हर तरीके के जो आर्टिलरी है यहाँ पे दिखा रखे है, और ये तोप जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे टिकट विकेट लेना पड़ता है। चलते हैं आगे स्पितुक गोनपा। अरे भाई ये देखो क्या मस्त लग रहा है। कितना नीचे से गया, पहली बार देखा मैं। मज़ा आ गया। तो यहाँ पे जो अपने लेफ्ट साइड में रिवर चल रही है, दैट इज इंडस रिवर, और हम लोग यहाँ से जाएंगे, हम लोग इंडस रिवर और ज़ंस्कार रिवर का कॉन्फ्रेंस देखने जा रहे हैं, और उसी के रास्ते में हम लोगों को पड़ेगा मैग्नेटिक हिल्स एंड पत्थर साहिब। तो आप लोगों को स्टोरी बताएंगे वहाँ पर क्या स्टोरी है। कुछ इस तरीके से दिखता है ले, पूरा ही फ्लैट लैंड है। तो गाइस दिस इज़ पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और आई थिंक ऊपर जाके जाना पड़ता है, इधर से रास्ता है। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली पिक्चराइजेशन करके दिखाया हुआ है। तो हुआ ये था कि यहाँ की स्टोरी आपको बता देता हूँ, वैसे हम लोगों ने दर्शन कर लिए। तो स्टोरी यहाँ की ऐसी है कि जो डीमन था वो गुरु नानक देव जी जब प्रेयर कर रहे थे, तो डीमन ने वो मतलब ऑब्स्टेकल डालने के लिए उनको एक बड़ा सा पत्थर फेंक के मारा। तो वो जब पत्थर गुरु नानक देव जी को जब लगा, जब तक वो तब तक वो वैक्स फॉर्म में हो गया, और उन पे मतलब उस पत्थर पे गुरु नानक देव जी का इम्प्रिंट हो गया। तो कुछ जो पत्थर जो बड़ा वाला है वो इधर साइड के गुरुद्वारे में रखा हुआ है, और यहाँ पर ऐसा है कि आपका जो पत्थर रखा हुआ है उसमें गुरु नानक देव जी का इम्प्रिंट है। तो मान्यता है यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी रिलीजन, काफ़ी सारे लोग आते हैं और यहाँ पे मत्था टेक के जाते हैं। तो हम लोगों का भी हो चुका है, एंड हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सो जस्ट होप कि यहाँ पे अपनी आज राइड अच्छी जाए, और बाकी हम लोग सेफली सारे पहुँच जाए। तो यहीं से चलते हैं, अच्छा लगता है ऐसा रिलीजियस प्लेस पर आने पर भी, सो इट्स गुड। और ये जो पूरा गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, ये पूरा मेंटेन किया जाता है भाई आर्मी। फिर आज का इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग यहाँ से फ्रेशली। जो बोले सो निहाल, शास्त्रीय काल। चलो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं आगे मैग्नेटिक हिल्स। मैग्नेटिक हिल्स इस साइड में कहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं है डिस्टेंस। तो हम लोगों का प्लान कुछ ऐसा है, अभी 10-12 हो रहा है, और यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक हिल्स और इंडस का कॉन्फ्लुएंस हम लोग कवर करके, देन उसके बाद में विल गो बैक टू ले, और वहाँ से फिर उसके बाद में निकल जाएंगे हम लोग हंडर, और विच विल बी वाया खातुंगला। तो ये देखो यहाँ पे क्या अलग पहाड़ी शुरू हो गई है। इधर से थोड़ा जस्ट आगे जाके आ जाता है अपना मैग्नेटिक हिल्स, जो कि बहुत ही अमेजिंग है यहाँ, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है यहाँ का। फोटोज़ लेने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे देखो ये MTB ट्रैक्स वाला भी बना हुआ है, यहाँ पे MTB चला सकते हैं। तो पूरा ट्रैक बना हुआ है इधर पे आसपास में MTB के लिए। और MTB अगर नहीं पता है तो MTB ये होता है, हाँ MTB होता है ये चार पहिए वाली मोटरसाइकिल, बहुत अच्छी लग रही है। तो मैग्नेटिक हिल्स, यहाँ से मैग्नेटिक हिल्स स्टार्ट हो जाती है, और हाँ पीछे बोर्ड लगा हुआ था।
वाओ, टर्निंग है वैसे इधर से। तो ये जो नीचे से जो रिवर आ रही है, दिस इज इंडस रिवर, और यही आगे जाके अपोजिट साइड से, हाँ अपोजिट साइड से आएगी ज़ंस्कर रिवर, और दोनों जब मैच करती हैं, मतलब जहाँ पे मिलाप होता है दोनों रिवर का, वो दोनों के अलग अलग कलर दिखते हैं। जो पॉइंट है उसको बोलते हैं इंडस ज़ंस्कर कॉन्फ्लुएंस। जो नीचे दिख रहा है ये है इंडस ज़ंस्कर कॉन्फ्लुएंस। अभी पानी का लेवल एक्चुअली बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा मिट्टी वाला लुक आ जा रहा है, तो उससे प्रॉपरली विजिबल नहीं है। बट अगर मैं क्लोजअप में जाके अगर देखूंगा तो यहाँ पे हल्का हल्का, मतलब आई साइड से दिख रहा है, डोंट नो कि ये गोप्रो में तो कवर नहीं, कैप्चर नहीं हो पाएगा खैर इतना। द सुरु एंड ज़ंस्कर वैलीज फ्रॉम ए ग्रेट थ्रू एनक्लोज बाय द हिमालयस एंड द ज़ंस्कर रेंज रैंकड इज द हाइएस्ट इनहेबिटेड region in the Suru Valley, after which the valley rises to 4,400 meter, which is 14,400 feet at Pensela. The gateway to Zanskar, Kargil, the only town in the Suru Valley, is the second most important town in Ladakh. और बाकी जो दिख रहा है पढ़ लो, पूरा नहीं पढ़ूंगा, लंबा जाएगा ब्लॉग। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पे रास्ता। तो गाइस अभी हम लोग हैं इंडस ज़ंस्कर कॉन्फ्रेंस पे, और दिस इज़ NH1 जो यहाँ से रूट आ रहा है, ये पूरा इधर पे जाता है। दिस इज़ मैनेज बाय प्रोजेक्ट विजायक एंड मैनेज बाय BRO। यहाँ पे जो दोनों नदियाँ हैं उनका मिलाप होता है। यहाँ पे अगर आप लोगों को हल्की सी लाइन दिख रही होगी ना, वो उधर बीच में, सो इधर का पानी का कलर अलग है, उधर का पानी का कलर अलग है, बट अमेजिंग प्लेस। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे मैग्नेटिक हिल्स, फोटोज़ खींचेंगे, देन उसके बाद भी सीधे निकल जाएंगे अपन लोग हंडर के लिए, और हंडर में करेंगे खारदुंगला क्रॉस। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, या डू फॉलो अस इंस्टाग्राम, ही इज रोडॉक व्लॉग्स, ओह यस दैट इज आरकेडी व्लॉग्स, यो एंड नाउ आई विल व्लॉग, यस। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे, अभी निकलते हैं। जो एस्टिमेटेड टाइम है अराउंड 3-4 आवर्स लग जाएगा हम लोगों को खारदुंगला पहुँचते पहुँचते, मतलब खारदुंगला क्रॉस करके हंडर पहुँचते पहुँचते। सो दिस इज मैग्नेटिक हिल, और हम लोग क्रॉस कर गए थे यहाँ पे। मैग्नेटिक हिल्स का जो भी है ATV राइड का वो सब होता है, और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। ग्रेविटी पार्क और व्हीकल, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि आप लोग अगर कार पार्क करोगे तो वो ऊपर जाती हुई, मतलब पता नहीं क्या चीज़ है कि वो ऊपर जाती है गाड़ी। हाँ यार ये तो ऊपर दिख रहा है। हाँ बड़ी ऊपर है भी, और यहाँ पे पूरा आसपास में ट्रैक बना हुआ है MTB का, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, आराम से चला सकते हो यहाँ पे। हाँ ये मैग्नेटिक हिल्स है, और यहाँ पे गाड़ी अपने आप से नहीं चल रही, तो अभी हम लोग चला रहे हैं क्योंकि कुछ और सीन है। अभी हम लोग यहाँ पे रुक के करते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद में निकलेंगे सीधे ले। और ये लगानी कहाँ पे है ये नहीं समझ में आ रहा है। चलो यहाँ लगाते थे, दिस इज संगम रेस्टोरेंट, इनॉग्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा AVSM, और काफी सारे ब्रिज है। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं खारदुंगला के लिए। द डिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 150 किलोमीटर 140 किलोमीटर, और ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 12:24 हो रहा है एस्टिमेटेड टाइम, अगर मैक्स टू मैक्स मान के चलते हैं तो इट विल बी समवेयर अराउंड 5 o'clock, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से पहुँचेंगे। तो गाइज हम लोगों का एक्चुअली प्लान था यहाँ से शांति स्तूपा जाने का भी, बट विल हेड टूवर्ड्स हंडर नाउ। जो शांति स्तूपा है वो आप लोग दिखा देता हूँ, वो जो अगर आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा, एक बार थोड़ा सा क्लियर व्यू बन दो, ये वाला जो है ये शांति स्तूपा है। हम लोगों का जो स्टे था उसी के आसपास पीछे मेन ले के मार्केट में था। अगर बिल्कुल वहीं से निकलते हैं तो एक छोटा सा फ़ोन से फ़ोटो ले लेंगे,